पंजाब सरकार ने 157 जिहड़े साडे किसान वीर शहीद होए सी उन्हां नूं नौकरियां दे साधन दित्ते, चाहे वह मासूम जिंदगी थी वापस नहीं लिया सकते, लेकिन एज अ हेल्प बिकॉज कांग्रेस गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर द कॉज ऑफ फार्मर्स। और उस तो बाद साडी मुख्यमंत्री साहब की रहनवाई हेठ एक मीटिंग भी हुई है, जेडे 54 किसान यूनियन ने सानू रिप्रजेंटेशन दी थी, लगभग 122 होर उन्होंने सानू बेनिफिशरीज के नाम दिते हैं, और उससे असी बकायदा वो डिटेल्स वो सारी मंगा रहे हैं। कोशिश होएगी कि कोर्ट जाबते तो पहलों 122 बेनिफिशरीज नू जिवें पहला नौकरी के साधन दिते गए थे वो भी दिते जाण। और मैं तुहाडे माध्यम जरिए देश के किसानों नू मुबारकबाद दिना, क्योंकि जेडे काले तीन काले कानून थोपे गए थे साडे ते, मैं समझता साडी पंजाब दी एक पछाण है किसानियत, और एग्रीकल्चर साडी इकोनमी है, बैकबोन है, और वो जेडे तीन काले कानून थोपे गए वो वापस लैण दा उपराला केंद्र सरकार कर रही है, मैं स्वागत करदा, उन्होंने ऐलान किया, नाल ये भी मंग करदा क्योंकि किसान जेड़ा उदों तक सुरक्षित नहीं महसूस करता जब तक वो फसल की बिक्री उन्हें पता है कि नहीं वो सिक्योर होंगी या नहीं वो पैसा वो जेब च आता, उदों तक किसान ने मेरा ख्याल मेरा अपना सोचना है कि शायद उतों उठना नहीं। तो MSP जरूर लागू करनी चाहिए है, जिहड़ी पंजाब सरकार भी वचनबद्ध खड़ी है कि जे केंद्र सरकार नहीं करूगी तो असीं MSP लागू करांगे। DAP की साडी डिमांड सी पहला, मैं अखबारों की जिक्र किया, 5.5 लाख मैट्रिक टन सी जिदन मैं चार्ज दिता सी, एलोकेशन सानू मनसुख मंडाविया साहब ने 1,97,000 मैट्रिक टन दिती सी, इसका मतलब 41% सी, जबकि दूजे सूबियां नू 88%, 90%, UP नू 120%, 120% ऑफ द एलोकेशन अमाउंट DAP जा चुकी थी। साढ़े पंजाब नाल किते ना किते विवाद किया जा रहा, वितकरा किया जा रहा थी, जेड़ा उन्होंने आश्वासन दे के सानू 3.5 लाख मैट्रिक टन बाद उन्होंने 7 रेक रोज़ लगाने शुरू किए, जिदे करके DAP की किल्लत हौली हौली हटी, और उन्होंने आश्वासन दिता थी कि 22 तरीक तक असी DAP की जी शॉर्टफॉल है पूरी कर देंगे। और 3,33,000 मैट्रिक टन सानू यूरे की एलोकेशन हुई है, और हूँ असी डिमांड कर चले क्योंकि यही एक हूँ पहला छिट्टा पैना है, ये सानू तकरीबन 500 मैट्रिक टन की होर लोड पैनी है जी दिसंबर दिसंबर से, और मैनू पूर्ण विश्वास है जिमें उन्होंने आश्वासन दिता कि 500 मैट्रिक टन सानू विद इन इस महीने के तहत दी जाएगी यूरिया।